कश्मीर क्राउन और मैं आपके साथ उमर अकरम। क्योंकि हम यहाँ पे भी ब्लॉग सोई बुक में मौजूद हैं जो कि बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, क्योंकि हम पता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने यहाँ पे एक प्रोग्राम चलाने की हिदायत दी है ऑफिसर्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसका नाम है जन अभियान, जो बैक टू थ्री विलेज के लिए जो है प्रिलिमिनरी स्टेज रखा गया है, जिसमें लोगों की जो है मसाइल को सुना जाएगा और सारी डिपार्टमेंट से जो है ऑफिसर्स कंसर्न ऑफिसर्स आएंगे और उनका जो लोगों की मुश्किल है उनका इजाला करने की कोशिश करेंगे। और हम यहाँ पे भी मौजूद हैं, चूंकि हम ब्लॉग सोई बुक में मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ पे जो वीडियो सोई बुक है अमनदीप सिंह साहब, जो कि केएस ऑफिसर हैं, जो रिसेंटली इनकी पोस्टिंग यहाँ पे हुई है, जो कि ऑनेस्ट हैं, डेडिकेटेड हैं, और इनके साथ हम इस अभियान के हवाले से बात करेंगे। जन अभियान है क्या, इसमें क्या होगा और बैक टू थ्री विलेज के लिए आपने क्या क्या स्टेप्स उठाए। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर जो एलजी साहब ने, सिन्हा साहब ने प्रोग्राम मुनाकिद किया जन अभियान बैक टू विलेज थ्री के लिए, ये प्रिलिमिनरी स्टेज है इसका, तो इसका मकसद क्या है, इसका मोटिव क्या है? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि पहले भी हमारे दो बैक टू विलेजेस हो चुके हैं, बैक टू विलेज वन और बैक टू विलेज टू। तो अब हमारा जो बैक टू विलेज थ्री है, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 2nd October to 12th October। लेकिन उससे पहले हमारे 21 डेज में जो है, जो कि सितंबर 10 से लेकर 1st अक्टूबर तक है, एक हमारी गवर्नमेंट ने जन अभियान करके एक अवामी मुहिम चलाई है, जिसकी बेसिकली थ्री कंपोनेंट्स है। फर्स्ट कंपोनेंट इज अधिकार अभियान, सेकंड कंपोनेंट इज उन्नत ग्राम अभियान, एंड जो थर्ड कंपोनेंट है वो है जन सुनवाई अभियान। अब मैं आपको तीनों को बताऊंगा कि तीनों में क्या डिफरेंस है। जो फर्स्ट है, दैट इज अधिकार अभियान, इसमें हम फोकस कर रहे हैं इंडिविजुअल बेनिफिशियरी स्कीम्स में। फॉर एग्जाम्पल, किसी को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, हमारे आरडीबी डिपार्टमेंट्स में जॉब कार्ड चाहिए, हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आपको रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कैंप्स मुनाकिद कर रहे हैं। हर ब्लॉक्स में कैंप लग रहे हैं बाजाबता, जहां पे 9 डिपार्टमेंट्स के बंदे आते हैं, पीपल आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दोज 9 डिपार्टमेंट्स। दे आर अवेलिंग ऑनलाइन सर्विसेज देयर ओनली, ऑन स्पॉट उनकी ग्रीवेंसेस को सॉल्व किया जाता है, ऑन स्पॉट उनको जो भी उनकी रेडरेशन मैकेनिज्म है वो फॉलो किए जाते हैं, जॉब कार्ड दिए जाते हैं, डोमिसाइल दिए जाते हैं, SC ST सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, बाकी मोटर डिपार्टमेंट से आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी इशू की जाती है। जो हमारा सेकेंड कॉम्पोनेंट है उसका, दैट इज उन्नत ग्राम अभियान, उसमें हमारा फोकस क्या है, मेनली डेवलपमेंटल ब्लॉक्स पे है। जैसे मैं अपने आरडीडी की बात करूंगा तो हमारे यहाँ नरेगा कामों के फोकस किया जा रहा है, 14 FC के कामों के फोकस किया जा रहा है। तो दिस मुहिम हम ज्यादा से ज्यादा वर्क टेकअप कर रहे हैं, ताकि जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं उनको हम थोड़ा बूस्ट कर सकें। और जो थर्ड इसमें कंपोनेंट है, दैट इज जन सुनवाई अभियान, इसमें क्या है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स हैं, इंक्लूडिंग हमारे डीसी सर शाहबाज मिर्जा सर जी एंड SSP साहब, ऑल आर सपोज टू सिट इन देयर ऑफिसेज फ्रॉम 10:30 इन द मॉर्निंग टू 11:30 इन द मॉर्निंग, हर दिन फ्रॉम मंडे टू सैटरडे तक, एक्सेप्ट वेनसडे को क्या है हमारा, वी आर स्टार्टिंग ब्लॉक दिवस प्रोग्राम, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो जन सुनवाई अभियान में क्या है, हमारा जो थर्ड है, इसमें जो भी ग्रीवियंस है, किसी को भी कोई भी ग्रीवियंस है, लेकिन डायरेक्टली अप्रोच डीसी सर, लेकिन डायरेक्टली अप्रोच SSP सर, एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट लाइन डिपार्टमेंट इज सपोज टू सिट इन देयर ऑफिसेस एंड सॉल्व द ग्रीवियंसेस इमीडिएटली एज एंड विद डायरेक्शंस आर इशू। तो ये हमारा हो गया तीन, दैट इज अधिकार अभियान, उन्नत ग्राम अभियान एंड जन सुनवाई अभियान। हमारा फोर्थ कॉम्पोनेंट इसमें आता है ब्लॉक दिवस करके, जो कि तीन हमारे डेज वेंसडेज हैं, जैसे 16th September, दैट इज 23rd September एंड लास्ट इज 30th September। हमारा 16th September को परसों हमारा था, वी आर इन कोलाबोरेशन विद डूइंग दिस विद ब्लॉक बड़गाम। तो हमारा ये बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बड़गाम में था, तो आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट अबाउट 700 to 800 पीपल पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम, एंड वी हैव इशूड अराउंड अबाउट 634 टोटल सर्टिफिकेट्स, विच इंक्लूडेड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, SC ST सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट्स फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, सर्टिफिकेट्स फ्रॉम RDG डिपार्टमेंट, जॉब कार्ड, बाकी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के हमारे काफी सर्टिफिकेट इशू की हैं। तो इसमें राउंड अबाउट 631 सर्टिफिकेट्स हमने टोटल इशू किए, एंड वी सॉल्व राउंड अबाउट नॉट मोर देन 200 ग्रीवेंसेज हमारे पास आई हुई थी। तो जैसे ही हमारे पास ग्रीवेंसेज आई, वी हैव इश्यूड डायरेक्शंस टू कंसर्न लाइन डिपार्टमेंट्स टू सॉल्व द ग्रीवेंसेज, और हम वो सॉल्व कर रहे हैं। बाकी जिनका ऑन स्पॉट ग्रीवेंस सॉल्व करना था, वो हमने वहीं पर रिप्लेस कर दिया है, और जो ऑन स्पॉट ग्रीवेंस सॉल्व नहीं हुए हैं, वी हैव
हमने फॉरवर्ड कर दिए हैं लाइन डिपार्टमेंट को वो सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे ही हमारा जो है अगले वेंसडे को सेकेंड ब्लॉक दिवस मनाया जाएगा, दैट इज 20th, एंड लास्ट जो है 30th वो भी मनाया जाएगा। अच्छा सर, अब हमें ये बता दीजिए कि पहले जो बैक टू विलेज दो स्टेज हुए थे, लोगों का यही कहना है कि जो हमने वहाँ प्रपोजल दिए थे कामों के, वो कुछ भी नहीं हो गया, वो दोनों स्टेज जो है वो जाया हो चुके हैं क्योंकि हमारा काम नहीं निकला है उनसे। तो अब क्या लोग, मतलब लोग क्या तवक्को रखेंगे इस हवाले से कि बैक टू विलेज की जो स्टेज आने वाला है अगले महीने, तो इससे क्या लोग तवक्को रखेंगे कि इनका काम हो जाएगा कि ऐसे कि दो जिस तरह फेल हो गए पहले दो स्टेज, इस हवाले से आप कहते हैं? जी देखिए, इसीलिए हमने फर्स्ट प्रोसीडिंग रखा हुआ है, 21 डेज का प्रोग्राम हमने रखा हुआ है कि जो भी हमारी ग्रीवियंसेज आपके हवाले से, जैसे आप बोल रहे हैं कि बैक टू विलेज फर्स्ट में ग्रीवियंसेज थी, बैक टू विलेज सेकंड में ग्रीवियंसेज थी, हम इन 21 डेज में वी आर ट्राइंग टू सॉल्व एज मेनी ग्रीवियंसेज एज वी कैन, ठीक है। और हमारे जो है गवर्नमेंट ने इशूड अस ₹10 लाख पर ग्राम पंचायत, जैसे आपको पता होगी, उसमें 20,000 हमने एयरमार्क किए हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स किट्स वगैरह, एंड वी हैव आइडेंटिफाइड फ्रॉम ईच पंचायत हल्का दो दो काम हमने आइडेंटिफाई कर दिए, वी हैव अकॉर्डिंगली टेकन द वर्क्स फ्रॉम द विजिटिंग डायरीज ऑफ द ऑफिसर्स दे हैव विजिटेड, जो पुराने ऑफिसर्स वहां पे गए थे बैक टू विलेज 1 और बैक टू विलेज 2 में गए थे, वहां उन्होंने कुछ काम दिए थे उनको, तो हमने वो दो दो काम उनसे उठाए हुए हैं, वी हैव फ्रेम्ड अप द एस्टिमेशन एंड वी हैव स्टार्टिंग द वर्क्स इंस्टेंटली, एंड बाय 31st दोज वर्क्स मूव एटलीस्ट 2 वर्क्स फ्रॉम ईच पंचायत वुड बी स्टार्टेड एंड वुड बी कंप्लीटेड। सर जी, आप हमें ये बता दीजिए कि अब पर्टिकुलर के अंदर हम बात करेंगे स्विंग ब्लॉक की, तो यहाँ से लोग क्या अब क्या उम्मीद रखेंगे इस बैक टू विलेज की जो प्रोग्राम आने वाला है? बिल्कुल, मेरे आपके माध्यम से यही इन पे गुजारिश रहेगी कि आप जो भी आपकी ग्रीवेंसेज हैं, हमारा यहाँ कैंप लग रहा है सामने आईआई स्कूल है वहाँ पे हमने कैंप लगाया हुआ है, हम रोज वहाँ पे बैठते हैं आपकी ग्रीवेंसेज सुनते हैं, आप वहाँ पे आइए, जो भी ग्रीवेंसेज हैं आपकी यू प्लीज कम, यू टेल अस व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स, हमारे यहाँ से जितना भी हमारे से हो सकता है विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस हम आपकी ग्रीवेंसेज ऑन द स्पॉट सॉल्व करेंगे, और अगर किसी और डिपार्टमेंट की भी ग्रीवेंस है हम वो ग्रीवेंस आगे फॉरवर्ड करके वी विल ट्राई टू मैक्सिमम हेल्प यू एंड सॉल्व योर ग्रीवेंसेज ऑन द स्पॉट। ये थे हमारे साथ वीडियो सहयोग जो कि बहुत ही एनर्जेटिक है, जो कि जिसने रिसेंटली यहाँ पे ज्वाइन किया और लोगों से हमने की बहुत ज्यादा तारीफें इसकी हो रही है क्योंकि ये ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं यहाँ पे वीडियो सहयोग जो यहाँ पे वीडियो साहब है। तो हम यही उम्मीद रखेंगे कि जो आने वाला जो स्टेज है बैक टू विलेज थ्री का, उसमें कम से कम लोगों के थोड़ा बहुत जो मुश्किल है उनका इजाला हो, और हम लोगों को यही कहना चाहेंगे कि आप इन जन अभियान जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है इसमें आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन करें, अपनी जो मुश्किलात है अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो कंसर्न अथॉरिटीज तक पहुंचाने की कोशिश करें। कश्मीर करों के लिए उमर अकरम, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से।